डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लास्ट कुछ वीडियो में जो है स्क्रू जैक के बारे में बहुत जो है कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, और उसी कॉन्सेप्ट में स्क्रू जैक के रिगार्डिंग ये हमारा एक लास्ट वीडियो होगा, ओवरऑलिंग एंड सेल्फ लॉकिंग ऑफ स्क्रू जैक। ये क्या है ओवरऑलिंग एंड सेल्फ लॉकिंग, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले जस्ट हम जो है एक डिस्कस करना चाहते हैं कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, ये हमारा निकला था W10α+5। दैट मीन्स कि यहाँ लिखे हम यदि टॉर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, टॉर्क या एफर्ट यदि हम लिख दें, एफर्ट और एफर्ट, ये हमारा निकला था W10α+5। अब इसमें टॉर्क निकाला होगा तो चूंकि ये सरकमफ्रेंस पे जो है ये जो एफर्ट हम लगाते हैं ये कहाँ सरकमफ्रेंस पे लगाते हैं, और दूसरा एफर्ट लगाते हैं कहाँ पे, लीवर के एंड पे, ठीक ना। तो ये जो है हमारा निकल गया था P×D/2। और दूसरा एक था टॉर्क या एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोअर द, बहुत मज़ेदार टॉपिक है इसको देखिएगा, लोअर द लोड। तो ये लोअर द लोड जो है ये हमने निकाले थे, तो इसमें देखिए ये हमारा आया था निकल करके, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट निकल करके आया था ये लिफ्ट के लिए आपका ये W10α+5 आया है, और इसका जो है टू लोअर द लोड, ठीक है ना, ये हमारा आया था W10α-5। ये देखिए टू लोअर दी लोड, इसमें है कुछ नहीं, हमने फोर्सेस को रिजॉल्व करके ये हमने फाइनली निकाला था, ठीक है। लोअर दी लेड कितना हो गया, P=W10α-5। अब यहाँ पे इस टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा यही है। देखिए एक चीज़ तो आप ध्यान रखिए कि जब हम लोड को लिफ्ट कर रहे थे, लोड को जब हम लिफ्ट कर रहे थे तो अनडाउटली ये कभी भी निगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि अल्फा कभी निगेटिव नहीं होगा, फाई कभी निगेटिव नहीं होगा, तो ये अल्टीमेटली हमेशा पॉजिटिव। दैट मीन्स कि जीवन में भी ऊंचा उठने के लिए और स्क्रू जैक से भी लोड को ऊपर लिफ्ट करने के लिए आपको पॉजिटिव फोर्स लगाना ही पड़ेगा, आपको अपने दिमाग के अंदर भी पॉजिटिविटी भरनी पड़ेगी यदि आपको ऊपर उठना है तो, नीचे गिरना है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए टू लोअर द लिफ्ट, अब इसमें आप टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड, तो क्या हो जाएगा, P×D/2। ये मैं बार बार बता रहा हूं, ये कहां लग रहा है, एट द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो अब यहां पे P×D/2, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो है α-5 है, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, W10α-5×D/2, ठीक है। अब यहां पे इस एक्सप्रेशन में आप सोचिए कि अल्फा यदि फाई है तो ये जो लोड को लोअर करने के लिए आपको तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में आपका टॉर्क क्या हो गया, पॉजिटिव। दैट मीन्स कि लोड को जो है आपको लोअर एंड पे लाने के लिए, ठीक ना, इसको नीचे लाने के लिए आपको एक पॉजिटिव फोर्स लगेगा। लेकिन ठीक ना, अल्फा यदि हमारा फाई हो गया, अल्फा यदि फाई हो गया तो टॉर्क क्या हो गया, जीरो। दैट मीन्स कि लोड को नीचे करने के लिए आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि अल्फा लेस देन फाई हो गया, ध्यान दीजिएगा, अल्फा यदि लेस देन फाई हो गया तो ये टॉर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और यदि ये नेगेटिव हो गया इसका मतलब क्या है, ये यदि नेगेटिव हो गया इसका मतलब कि ये अपर लिफ्ट तो कर देंगे लेकिन ये नीचे की तरफ जो है एक डाउनवर्ड फोर्स लगते रहेगा, उसको मेंटेन करने के लिए, इस हाइट को मेंटेन करने के लिए, ठीक ना, इस लिफ्ट को मेंटेन करने के लिए आपको एक फिर से पॉजिटिव फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल करना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे ही आप यहां से लीवर हटाएंगे, ठीक ना, या एफर्ट आप हटाएंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि नेगेटिव फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा कि इस केस में टू लोअर द लोड इट विल बी नेगेटिव, ठीक ना, दैट मीन्स द लोड विल स्टार्ट जस्ट मूविंग डाउनवर्ड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी टॉर्क, सच कंडीशन इज नॉन एज ओवर हॉलिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या दोस्त, ओवर हॉलिंग ऑफ द स्क्रू, ये जो आप देख रहे हैं ओवर हॉलिंग ऑफ द स्क्रू, इसी को क्या बोलते हैं, ओवर हॉलिंग ऑफ स्क्रू जैक, ठीक है।
और इस जिस केस में ये थोड़ा सा ग्रेटर है, दैट मीन्स यू विल नीड टू अप्लाई दी टॉर्क, दैट मीन्स टॉर्क विल बी पॉजिटिव, दैट मीन्स एफर्ट विल बी अप्लाई टू लोअर दी लोड, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ लॉकिंग और दिस टाइप ऑफ स्क्रू जैक इज कॉल्ड सेल्फ लॉकिंग ऑफ स्क्रू जैक, क्योंकि आपको उसको नीचे लाने के लिए आपको फोर्स लगाने की जरूरत है। तो जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, एफर्ट नहीं लगाएंगे, वो नीचे आएगा नहीं। दैट मीन्स कि आपने एक बार उसको लिफ्ट कर दिया तो लॉक हो गया वहां पे, यहाँ क्या हो गया, लॉक हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग ऑफ स्क्रू जैक, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे टोटल का जो है खेल जो है यहाँ पे सिर्फ ये है एंगल ऑफ हेलिक्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। तो यहाँ पे इस हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है कि किस तरह से हम जो है एफर्ट या लोड लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने लास्ट जो है वीडियो में इफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक निकाला था, ठीक ना। तो अब इसी इफिशियंसी में क्या हम निकाल सकते हैं इफिशियंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग स्क्रू, इफिशियंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग स्क्रू। सेल्फ लॉकिंग स्क्रू दैट मींस की इफिशियंसी आपने कितना निकाला था, देखिए इफिशियंसी तो हमने ये निकाला है 10 अल्फा अपन 10 अल्फा प्लस 5, तो ये क्या हो गया 10 अल्फा अपन 10 अल्फा प्लस 5, ठीक ना। फॉर सेल्फ लॉकिंग, सेल्फ लॉकिंग के लिए आपका 5 जो है क्या होना चाहिए, ये अल्फा जो है दैट मींस 5 जो है लेसर देन अल्फा होना चाहिए इस कंडीशन में, ठीक ना। तो यहां पे आपका जो निकलेगा, ठीक ना, सेल्फ लॉकिंग के लिए, दैट मीन्स कहने का मतलब मेरा ये था कि पी जो डब्ल्यू 10 अल्फा माइनस 5 निकाले थे, ये होना क्या चाहिए था, पॉजिटिव, ठीक ना। ये पॉजिटिव होगा तो दैट मीन्स कि ये आपका ग्रेटर है। तो इसको यदि आप किसी मोमेंट पे, ठीक ना, किसी मोमेंट पे ये लेस देन इक्वल टू कर दें, दैट मीन्स कि 5 इक्वल टू अल्फा ले लें, तो ये क्या हो जाएगा 10 5 अपॉन 10 टू 5, ठीक ना। ध्यान दीजिए 10 5 को तो हम 10 5 रहने दीजिए, और 10 टू 5 को आप क्या लिखते हैं 2 10 5 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 5। देखिए 10 5 से 10 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर 5, ये ऊपर चले जाएगा अपन क्या होगा 2, क्योंकि ये और ये तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ माइनस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 5 अपन 2, यही होगा ना। अब यहाँ पे 10 स्क्वायर 5 बाई 2, दैट मीन्स कि एफिशिएंसी यदि होगा तो मैक्सिमम मैक्सिमम कंडीशन में भी आपका क्या होगा ये 1 बाई 2, और ये क्या होगा कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो वेल एंड गुड, निगेटिव वैल्यू होगा नहीं, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू होगा दैट मीन्स कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ, ठीक ना, सेल्फ लॉकिंग स्क्रू कैन बी 50%, यही होगा मतलब, ठीक है ना। ज्यादा ज्यादा इसका वैल्यू क्या जीरो होगा। तो ये जो है वैल्यू क्या हो सकता है कि इफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक विल बी 50% फॉर दिस सेल्फ लॉकिंग कंडीशन ऑफ सेल्फ लॉकिंग ऑफ स्क्रू जैक, ठीक है। इसी में पावर भी आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। आप इफिशियंसी जो है स्क्रू जैक का टू लिफ्ट द लोड टू लोअर द लोड वो भी निकाल सकते हैं। डिफरेंट कंडीशन में हम जो है लॉसेस निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो इन केस ऑफ सॉल्व लॉक सेल्फ लॉकिंग, ठीक ना, पावर लॉस्ट या वर्क लॉस्ट भी आप निकाल सकते हैं, वर्क लॉस्ट इन फ्रिक्शन, क्योंकि लॉस कहाँ जा रहा है, ये पूरा जो लॉस हुआ किसमें हुआ, फ्रिक्शन में। दैट मीन्स कि ये क्या होगा, इनपुट जो है आपने कितना लगाया, इनपुट माइनस आउटपुट। अब ये इनपुट और आउटपुट कहाँ से आएगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए आप, इनपुट और आउटपुट ये इफिशियंसी इक्वल टू, यहाँ शॉर्ट में लेते हैं, इफिशियंसी इक्वल टू होता है क्या, आउटपुट अपन इनपुट, यही होता है आउटपुट अपन इनपुट। तो ये इनपुट माइनस आउटपुट ये लॉस हो गया। तो यहाँ पे आउटपुट यदि आप निकालते हैं या इनपुट ही चलिए हम निकालते हैं, तो क्या होगा, इनपुट इक्वल टू आउटपुट अपन इफिशियंसी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आउटपुट
अपन इफिशियंसी माइनस आउटपुट, ठीक ना। और आउटपुट क्या है कि आपने लोड को कितना लिफ्ट किया, यहाँ पे स्क्रू जैक आप देखेंगे, ठीक ना, तो स्क्रू को आपने कितना लिफ्ट किया, सपोज कीजिए एच हाइट आपने लिफ्ट किया, सपोज कीजिए कि ये स्क्रू जो है अभी यहाँ पे था और इसको आपने लिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ये हाइट कितना उठा यहाँ से एच हाइट, और डब्लू ये लोड था, तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना हो गया, डब्लू इंटू एच, यही हुआ ना आपका। तो यहाँ पे आउटपुट कितना हो गया डब्लू एच, तो ये डब्लू इंटू एच अपन इफिशियंसी माइनस डब्लू इंटू एच, ठीक ना। और इसको आप डब्लू एच को यहाँ पे कॉमन लेंगे, यदि डब्लू एच को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपन इफिशियंसी माइनस वन, दैट मीन्स दैट इज द लॉस्ट ऑफ वर्क इन स्क्रू जैक ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक ना। तो अब यहाँ पे जब आप निकालेंगे फॉर सेल्फ लॉकिंग, ठीक ना, फॉर सेल्फ लॉकिंग, ये आपका डब्ल्यू एच वन अपन इफिशियंसी माइनस वन मस्ट बी लेसर देन इक्वल टू डब्ल्यू एच, ये जनरल कॉन्सेप्ट भी है, ठीक ना। तो ये डब्ल्यू एच जब कैंसिल करेंगे तो वन अपन इफिशियंसी माइनस वन लेसर देन इक्वल टू वन, तो यहाँ भी इफिशियंसी आप निकालेंगे ये वन क्या हो जाएगा, इधर चले जाएगा, तो ये वन अपन इफिशियंसी क्या हो जाएगा, लेसर देन इक्वल टू टू, ये वन इधर ले लिए, तो जब इफिशियंसी जो है आप निकालेंगे तो दैट मस्ट बी लेसर देन इक्वल टू वन बाई टू, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका इफिशियंसी लेसर देन इक्वल टू 50%। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये निकल करके आता है कि सेल्फ लॉकिंग का जो इफिशियंसी होगा, ठीक ना, दैट विल बी लेसर देन इक्वल टू 50%, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये कॉन्सेप्ट था हमारा ओवरहॉलिंग एंड सेल्फ लॉकिंग ऑफ स्क्रू जैक का, तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम ओवरहॉलिंग सेल्फ लॉकिंग निकालते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा स्क्रू जैक जो है शुरू हुआ था लेक्चर नंबर 61 से, और लेक्चर नंबर 61 के बाद जो है हमने इसमें जो कॉन्सेप्ट देखा था, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम देखे थे कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड हमने निकाला था W टेन अल्फा प्लस फाइव, फिर टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड हमने निकाला था W टेन अल्फा माइनस फाइव, एक्चुअली क्या ये एफर्ट है, एंड दिस एफर्ट इज एट द सरकमफ्रेंस ऑफ स्क्रू थ्रेड, फिर टॉर्क निकालने के लिए P इंटू डी बाई टू कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 63 के बाद 64 में इफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक कवर किया था, और ये हमने आपको प्रूफ किया था कि इफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक जो है फॉर कैन बी अप टू 50%, ठीक ना। और फिर हमने लास्ट में ये 50% के साथ ही ये कॉन्सेप्ट हमने दिया था कि टू लोअर द लोड, ठीक है ना, लिफ्ट करने के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन लोअर करने के लिए ये डिफरेंट कंडीशन है, चूंकि अल्फा माइनस फाइव है तो अल्फा फाइव से ज़्यादा हो सकता है, इक्वल हो सकता है और लेसर हो सकता है, ठीक है। तो ये ओवरहॉलिंग और सेल्फ लॉकिंग का अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया। तो ये था हमारा ऑल अबाउट द स्क्रू जैक। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने इन सारे वीडियोज को, स्क्रू जैक के सारे वीडियोज को आपने देखा समझा, और चैनल को आपने प्रमोट किया, तो थैंक्स फॉर दिस काइंड वर्क। और जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप हमारे नहीं मतलब आपका अपना जो चैनल है उस पर आप जाते हैं, तो हमेशा थ्योरी ऑफ मशीन के प्लेलिस्ट में जाइए, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है उसके प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे हर एक वीडियो आपको इन प्रॉपर सिक्वेंस मिल जाएगा। कोई यदि आपको टॉपिक कवर ऐसा लगता है कि नहीं हुआ है तो मस्ट इन्फॉर्म मी, क्योंकि मैं जनरली आरजीबी का सिलेबस कवर करता हूँ, ठीक है। तो यदि कोई टॉपिक आपको छूटा हुआ लग रहा है तो आप जो है, अब इसके ऊपर बहुत सारे हम 20-25 न्यूमेरिकल भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उन वीडियोज को देखते रहिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।